अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हमें कैसे हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए लाइफ में। इसके लिए मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर वर्थ, आवर वैल्यू, आवर स्टेटस, आवर एटिकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन इट इंशाल्लाह। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है और मैं अपनी इस वैल्यू को कैसे वर्थी बना सकता हूँ, कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो बाप ने ना उसे कुछ कहा नहीं, उसे बस ये कहा, उसे एक टास्क दिया। वो ये टास्क दिया कि उसे एक पत्थर दे दिया और उसे कहा कि इसे आप मार्केट में ले जाओ और अगर कोई इसकी कीमत पूछे, इसकी वैल्यू पूछे, तो आपने कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आपने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। वो बच्चा बाप की बात मान के चला गया मार्केट। काफी देर ठहरा रहा वो, जब एक बुरी औरत घुसी, उसने उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ी तो उस बुरी औरत ने पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो बच्चे ने, क्योंकि बाप ने उसे कहा हुआ था कि आपने बोलना नहीं है, उसने वही अपनी दो उंगली खड़ी की। तो औरत ने कहा इसकी 200 रुपए कीमत है, ठीक है मैं आपको इसके 200 देती हूँ, आप मुझे ये पत्थर दे दें। बच्चा चौंक गया कि ये तो आम सा पत्थर है, इसकी 200 कीमत कैसे हो सकती है, ये तो मुझे मतलब वो औरत कहीं से भी उठा सकती है, ले सकती है। बच्चा दौड़ा अपने बाप के पास और शशधर और हैरान होकर अपने बाप को बताता है कि एक बूढ़ी औरत मुझे मिली और उसने इसकी कीमत 200 रुपए लगाई। अब बाप ने फिर भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे एक सेकंड टास्क दिया कि अब इसे वो लेके जाए अजायब घर यानी म्यूजियम में, और वहां पे भी उसने वही कहा कि आपने कुछ बोलना नहीं है, अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो आपने वही अपनी दो उंगली खड़ी कर देगी। अच्छा गया म्यूजियम, अंदर दाखिल हुआ, थोड़ी देर ठहरा रहा वहां पे, तो एक शख्स गुजरा उसके पास से, तो उस शख्स की नजर उस पत्थर पे पड़ी। जैसे उसकी नजर पड़ी तो उसने बच्चे से पूछा कि इसकी क्या कीमत है, ने वही दो उंगली खड़ी की। शख्स ने सोचने के बाद ये कहा कि 20,000 रुपए, अच्छा तो इसके आप 20,000 रुपए मांग रहे हैं, तो ठीक है मैं आपको 20,000 रुपए कीमत अदा करता हूं, आप मुझे ये पत्थर दे दें। अच्छा फिर हैरान हो गया, दौड़ा भागा और अपने बाप के पास गया और उसने बताया कि इसकी मुझे 20,000 रुपए एक शख्स कीमत लगा रहा था। हैरान शिस्तर होके बच्चा ये बात कर रहा है कि एक आम से पत्थर की वैल्यू 20,000 कैसे हो सकती है। अब बाप ने कहा कि मैं अब तुम्हें लास्ट टास्क दे रहा हूँ, आखिरी काम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम्हारा सवाल था उसका जवाब मिल तुम्हें दूंगा। अब बाप ने कहा कि तुम इससे कीमती पत्थरों की मार्केट में ले जाओ, वहां पे जो दुकानें हैं वहां पे ले जाओ। उसने बाप की बात मानी, वो वहां मार्केट में गया और एक दुकान के सामने जब आया तो काउंटर पे बैठे शख्स की नजर उस पत्थर पे पड़ी। वो एक बड़ा शख्स था। वो शख्स अपने काउंटर को छोड़ के हैरान होके उस बच्चे की तरफ आया और उसने उस बच्चे से वो पत्थर लिया और क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तो कब से इस पत्थर की तलाश में था। अब उस बच्चे से ये पूछता है कि इसकी क्या कीमत है, क्योंकि बच्चे ने कुछ बोलना नहीं था, बच्चे ने वही दो उंगली खड़ी की। शख्स ने कुछ सोचने के बाद, जो बूढ़ा शख्स था, उसने वही कहा कि 2,00,000 रुपए, ठीक है मैं तुम्हें इसकी कीमत 2,00,000 देने को तैयार हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे। बच्चा और हैरान परेशान हो गया, दौड़ा बाप की तरफ। बाप को कहता है बाबा मुझे वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स उसके काउंटर पे मिला और वो मुझे कहता है कि 2,00,000 रुपए इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। अब बाप ने उसे बताया कि देखो इंसान की वैल्यू भी ऐसे ही है, जहाँ पे इंसान अपने आप को रखता है, जहाँ पे इंसान अपने आप को लेके जाता है और जिस कंपनी में इंसान अपने आप को रखता है, वैसे इंसान की वर्थ जानी जाती है, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत मानी जाती है। अगर हम अपने आप को एक बुरी कंपनी में रखेंगे तो हम अपने आप को एक बुरा शख्स कहलाएंगे, अगर एक अच्छी कंपनी में रखेंगे तो अच्छे शख्स कहलाएंगे। एक मकूला भी है, अ मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक शख्स को उसकी कंपनी की, उसकी सोहबत की वजह से पहचाना जाता है। तो इंसान को अपनी अगर वर्थी बनना है, वैल्यूएबल बनना है, तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसको चाहिए कि अपने आप को भी वैल्यूएबल लोगों में और एक अच्छी कंपनी में इंसान अपने आप को रखे।
उसके एटिकेट्स भी सुधरेंगे, उसके एथिक्स भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका स्टेटस, उसका मयार, उसका वकार भी बुलंद होगा। तो इस वकार, मयार और स्टेटस को बुलंद करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक अच्छी कंपनी में रखें, और अच्छी कंपनी, अच्छी सोहबत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी सुधार के रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हम सबको बुरी सोहबत से बचा के रखे और अच्छी सोहबत में रखे, और हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके दुनिया व आखिरत में बुलाएंगे। वस्सलाम।